मार्जिनल कॉस्टिंग। मेरे पास बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि यार इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलाज है, कैसे मेमोराइज करें 30+ फॉर्मूलाज। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक ही फॉर्मूला के दो या तीन मेथड हो, जैसे पीवी रेशियो के दो या तीन फॉर्मूलाज है, तो फिर हाउ डू वी मेमोराइज, पूरा मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम देखेंगे बिना इतने सारे फॉर्मूलाज याद किए हुए कैसे सम को सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेबल देखते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है, ये तो हमको पता ही है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक नया चीज बीच में लाता है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग नाम में ही लिखा है, मार्जिनल यानी कि वेरिएबल। तो इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पिक्चर में लेता है और फिक्स कॉस्ट को अलग रखता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको मेमोराइज करना है वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इसको हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं। क्या है फॉर्मूला? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। सिंपल है फॉर्मूला। ठीक है, इसमें से ही डिराइव होता है दूसरा फॉर्मूला जो है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। क्या है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल? 1 - PV रेशियो। ठीक है, इसको अगर ऐसा नहीं सॉल्व करना चाहे तो और एक तरीका है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आगे ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स। फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, उतना सेल जितने सेल पे प्रॉफिट भी नहीं होता लॉस भी नहीं होता। इजी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थर्ड फॉर्मूला जो आपको मेमोराइज करना है। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, आपको एक्चुअल सेल्स दिया होगा, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है पहले, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा अगर आपका ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट हो गया एक बार तो। ठीक है, देखेंगे अभी सम कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमने दो ही फॉर्मूलाज मेमोराइज किए, पहला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। ये आप नहीं मेमोराइज करना चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स भी कर सकते हैं, या फिर 1 - PV रेशियो। दूसरा फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में दिया होगा, ब्रेक इवन आपको कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 17 स्टडी मटेरियल का है। सबसे पहली चीज़ ये क्वेश्चन क्यों उठाया मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटी कवर है, जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, ब्रेक इवन सेल्स भी है, और पीवी रेशियो जब आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 ईयर्स का डेटा गिवन है, 2013 का सेल्स और प्रॉफिट, 2014 का सेल्स और प्रॉफिट। फाइंड क्या करना है? पहला एक एक करके देखते हैं। पहला पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का हमने एक ही फॉर्मूला देखा, क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पीवी रेशियो कितना भी आप क्वांटिटी सेल करो, आप चाहे 10,000 सेल करो, 20,000 सेल करो, 30,000, पीवी रेशियो उतना ही रहता है, पीवी रेशियो इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में पीवी रेशियो 2013 का और पीवी रेशियो 2014 का, भले ही सेल डिफरेंट है पीवी रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, पहला पीवी रेशियो ये हमने फॉर्मूला देखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन को हम प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है,
अब जो मैंने बोला पीवी रेशियो, कितना भी क्वांटिटी सेल करो सेम ही रहता है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, पीवी रेशियो ऑफ 2013 यहाँ पे और पीवी रेशियो ऑफ 2014 यहाँ पे, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। 8000 प्लस फिक्स कॉस्ट, 8000 क्या है 2013 का प्रॉफिट, डिवाइड बाय 120,000, 120,000 क्या है 2013 का सेल्स, सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 22,000, ठीक है। सिंपली पीवी रेशियो का अगर आप ये सॉल्यूशन देखेंगे स्टडी मटेरियल में, तो पीवी रेशियो का डिफरेंट फॉर्मूला उन लोगों ने लिया है, बट हमने यहाँ पे देखा कि यही फॉर्मूला से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने टेबल में देखा प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, और पीवी रेशियो कितना भी आप क्वांटिटी सेल करें सेम ही रहता है, ठीक है। 2013 और 14 का हमने इक्वेट किया पीवी रेशियो, उससे हमें फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब हमने 2013 के डेटा में फिक्स कॉस्ट पुट किया तो हमें पीवी रेशियो मिल गया, पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट 22,000, ये सॉल्व किया तो मिल गया। और 8,000 क्या है 2013 का प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड बाय 2013 का सेल्स, पीवी रेशियो मिल गया 25%। आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का भी एक और फॉर्मूला है, बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो या सेल, ब्रेक इवन पॉइंट भी एक सेल होता है, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो या सेल का अमाउंट निकालना हो, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, पीवी रेशियो, दैट्स इट, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। इनटू 100 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये परसेंटेज में लिखा है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 25 लिखूंगा तो यहाँ पे इनटू 100 आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट हमने आगे पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सेल होता है अमाउंट जिस पे प्रॉफिट जीरो होता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम प्रॉफिट की जगह जीरो लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया ऊपर 22,000 डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, सेल्स यहाँ पे जाएगा डिवाइड बाय 25%, हमको मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट आप बोल सकते हैं 88,000। यूनिट्स में आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि उतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है या सेल, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है पीवी रेशियो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट भी एक सेल का अमाउंट होता है। अभी देखते हैं थर्ड, थर्ड क्या है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 180,000। ये इजी है, ये मैं नहीं लूँगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फोर्थ, सेल्स रिक्वायर्ड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है सेल्स। मैंने एक चीज़ आपको बोली, सेल्स आपको जब भी कैलकुलेट करना है आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है पीवी रेशियो, ठीक है। अभी यूज करते हैं उसको। फोर्थ, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 12,000, फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया 22,000, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स यहाँ पे जाएगा, ये परसेंटेज में है, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे पीवी रेशियो, ये भी हमने कैलकुलेट किया, सेल्स आ जाएगा 136,000। ईजी है, सेल आपको
फिर से बोल रहा हूँ, सेल आपको जब भी कैलकुलेट करना है एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। लास्ट भी सिंपल है, फिफ्थ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने मेमोराइज किया था, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। कौन से ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है? 2014 का। 2014 का एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है 1,40,000, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा 2014 का? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, हमने कैलकुलेट किया था ब्रेक इवन सेल्स 88,000, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर आ जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स 1,40,000 - 88, 52,000। क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है प्रॉफिट। हमने सबसे पहले ये यूज़ किया था, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, रिवर्स जाके, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने मेमोराइज किया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल ऐसा सेल होता है जिस पे प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता। उसके बाद हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मेमोराइज किया। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया था, पीवी रेशियो विल रिमेन सेम फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेल्स, ठीक है। चाहे आप 10,000 क्वांटिटी सेल करो, 20,000 सेल करो, पीवी रेशियो उतना ही रहेगा, ठीक है। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 25% था, तो 2013 के लिए भी पीवी रेशियो 25% था और 2014 के लिए भी पीवी रेशियो 25% था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स है दूसरे टॉपिक्स में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक का वीडियो मैं बना के आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।